हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऊजीज किचन। आज हम बनाने वाले हैं तिरंगा पुलाव, और वो भी बिना किसी आर्टिफिशियल कलर के। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चावल भिगो देंगे। मैंने यहाँ पर एक कप बासमती चावल लिया है। इसे हम अच्छी तरह से 3 से 4 बार पानी से धो लेंगे और उसके बाद हम इसे भिगो के रख देंगे। मैंने यहाँ पर चावल को भिगोने के लिए 3 कप पानी ऐड किया है। हम चावल को 20 से 30 मिनट तक भिगो के रख देंगे। आप देख सकते हैं चावल अच्छी तरह से भीग चुके हैं। मैंने 30 मिनट तक चावल को भिगो के रखा था। अब हम चावल को पका लेते हैं। उसके लिए हम एक बड़े बर्तन में 4 कप पानी ले लेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हो। अब हम इसमें 1 टीस्पून घी ऐड करेंगे। अब हम पानी को उबलने देंगे। जैसे ही पानी उबलने लगेगा, हम उसमें 1/4 टीस्पून बिरयानी का मसाला ऐड करेंगे और उसके बाद हम उसमें हमारा भिगोया हुआ चावल ऐड कर देंगे। अगर आपके पास बिरयानी का मसाला नहीं है तो आप 1/2 टीस्पून गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो। अब हम चावल को मीडियम फ्लेम पर 90% तक पका लेंगे और जैसे ही चावल पक जाएंगे, हम उनको निकाल के एक बड़ी प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे और चावल के 3 हिस्से कर लेंगे। चावल पक चुका है, अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर दूंगी। हमें 3 अलग अलग राइस बनाना है, एक ऑरेंज, एक वाइट और एक ग्रीन। चावल को साइड में रख देते हैं और प्यूरी रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं टमाटर की प्यूरी रेडी करूंगी। उसके लिए एक मिक्सर की जार में मैं 1 बड़ा टमाटर ऐड कर रही हूं और 1 लहसुन की कली ऐड कर रही हूं। अब हम इन दोनों को पीस के इसका पेस्ट बना लेंगे और पेस्ट को एक अलग से बोल में ट्रांसफ़र करके साइड में रख देंगे। अब हमें पालक का पेस्ट बनाना है। उसके लिए फिर से हम मिक्सर की जार में 200 ग्राम पालक ले लेंगे। मैंने पालक के सिर्फ पत्ते यूज़ किए हैं और उन्हें धोकर ऐड कर दिया है। उसके साथ मैं इसमें ऐड करूंगी 1 हरी मिर्च और हम इन दोनों चीज़ों का भी अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे और इसे भी हम अलग से निकाल कर रख देंगे। अब हम राइस बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हम एक पैन ले लेंगे और उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। मैं नॉनस्टिक पैन यूज़ कर रही हूँ, आप नॉर्मल पैन भी यूज़ कर सकते हो। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे टमाटर की प्यूरी। टमाटर की प्यूरी ऐड करने के बाद हमें प्यूरी को तब तक पकाना है जब तक उसका पूरा मॉइस्चर निकल जाए। सबसे पहले मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। मैंने 1/2 टीस्पून ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए। हमने चावल में ऑलरेडी नमक डाला है, उस हिसाब से आप यहाँ पर नमक ऐड कीजिएगा। नमक ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चुटकी हल्दी। 1 पिंच हल्दी काफ़ी होंगी, ज़्यादा हल्दी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हल्दी ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला। ये सादा गरम मसाला है जो हम रोज़ यूज़ करते हैं। अब हम इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। आप देख सकते हैं जो मॉइस्चर है टमाटर का, वो काफ़ी सूख चुका है। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। मैंने यहाँ पर सिर्फ कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है, 1 टीस्पून भर कर, उतनी काफ़ी होंगी। अब हम इसे भी मिक्स कर देते हैं और आप देखोगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करने से कलर कितना अच्छा आया है। हमारी टमाटर की प्यूरी रेडी है। अब हम इसमें 1/3 हिस्सा चावल ऐड कर देंगे। हमने चावल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, उसमें से 1 हिस्सा मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। चावल ऐड करने के बाद सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने गैस की फ्लेम हाई पर ही रखी है, चावल ऑलरेडी पका हुआ है तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें चावल को। चावल अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल कर एक अलग से बर्तन में रख देंगे और हमारा दूसरा राइस बनाना शुरू करेंगे।
पालक राइस बनाने के लिए हम एक पैन ले लेंगे और उसमें एक टेबलस्पून तेल ऐड करेंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें हमारे पालक की जो प्यूरी है वो ऐड कर देंगे। हमने कच्चे पालक की प्यूरी बनाई है तो हमें इसे थोड़ी देर पकाना पड़ेगा। गैस की फ्लेम को हाई पे रखेंगे और पालक को पकने देंगे जब तक उसका भी पूरा पानी अच्छी तरह से सूख जाए। आप पालक के पत्तों को ब्लांच कर कर भी पीस सकते हो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक, मैंने आधा टीस्पून ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हो। इसमें हम ऐड कर देंगे एक चुटकी हल्दी, एक चौथाई टीस्पून धनिया पाउडर, एक चौथाई टीस्पून गरम मसाला और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने पालक में ऑलरेडी एक हरी मिर्च पीस कर ऐड की थी, तो आप यहाँ पर लाल मिर्ची नहीं भी ऐड करोगे तो चलेगा। मैंने यहाँ पर एक चौथाई टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, ये सादी वाली लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक पालक का पूरा पानी अच्छी तरह से सूख जाए। आप देख सकते हैं पालक का पूरा पानी सूख चुका है, इसमें आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे। अब हम इसमें 1/3 चावल ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद हम सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और तब तक पकाएंगे जब तक चावल भी अच्छी तरह से गर्म हो जाए और सभी चीज़ों के साथ मिक्स हो जाए। हमने यहाँ पर बिल्कुल भी कलर ऐड नहीं किया है, पालक की वजह से ही पूरे चावल इतने अच्छे ग्रीन कलर के हो गए हैं। अब हम इन्हें भी साइड में रख देंगे और वाइट चावल रेडी करेंगे। वाइट राइस रेडी करने के लिए हम उसी पैन में 1 टीस्पून घी ऐड करेंगे और 1 चुटकी गरम मसाला ऐड करेंगे। इतना गरम मसाला सफिशियंट है, इससे ज़्यादा आप गरम मसाला ऐड करोगे तो चावल का कलर चेंज हो जाएगा। अब हम इसमें हमारे बचे हुए चावल ऐड कर देंगे और इन्हें हम हल्का सा स्टर फ्राई कर लेंगे। इससे चावल में बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू आएंगी। अगर आपको चावलों को घी में टोस्ट नहीं करना है तो आप घी की जगह तेल यूज कर सकते हो। हमने चावल को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, अब हम हमारा तिरंगा पुलाव असेंबल करते हैं। उसके लिए हम एक ग्लास का स्क्वायर बोल ले लेंगे, आप इसे प्लेट में भी सर्व कर सकते हो। अब हम उसमें सबसे पहले हमारा टमाटर राइस ऐड कर देंगे और इसे हम साइड में करके एक रेक्टेंगल शेप दे देंगे। हमारा फर्स्ट लेयर रेडी हो चुका है, अब हम इसमें हमारा सेकेंड लेयर ऐड करेंगे। मैं पहले हमारा पालक राइस ऐड कर रही हूँ, इसे भी हम ऐड करके रेक्टेंगुलर शेप में शेप दे देंगे स्पून की मदद से। और उसके बाद हम इसमें वाइट राइस ऐड करेंगे सेंटर में। बचा हुआ पूरा राइस यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी और इसे भी हम अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। हमारा जो तिरंगा राइस है वो रेडी हो चुका है। गार्निश के लिए हम लोग बीच में एक स्टार एनिस का फ्लावर ऐड कर देंगे, जिसे बादियान या चक्रफूल भी कहा जाता है। इससे हमारा तिरंगा कंप्लीट लगेगा। और अब आप देख सकते हैं हमारा तिरंगा पुलाव बिल्कुल तैयार है, बिना किसी भी आर्टिफिशियल कलर के। इसे आप इसी तरह से सर्व कीजिए या फिर रायते के साथ सर्व कीजिए, ये बहुत टेस्टी लगता है और बहुत जल्दी बन जाता है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। आई होप आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।